आंटी जी का चेहरा तो भैया छुप नहीं सकता, असलियत तो सामने आ ही गई है। क्या आंटी चाहती है, क्या आंटी करना चाहती है, क्या उनकी सोच है और क्या वो सोचती हैं अपनी बहू को लेके, बहू के लिए विलन है या फिर बहू सास बहू की जो जोड़ी है लोगों को पसंद आती है, पर बिना कॉन्ट्रोवर्सी ये जोड़ी चल नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं तो आप लोगों के लिए मसाला आएगा और वो मसाला आपकी तृणा लेकर आई है। तो देखिएगा इस वीडियो को और पूरा देखने के बाद ही कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सी बात से मेरी सहमत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से कर दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब और फटाफट से आप सब आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, पर कुछ टाइम से नहीं, थोड़ा सा मतलब बिजी शेड्यूल कह लो या फिर तबियत ढीली कह लो, कुछ भी कह सकते हो, जिसके चलते वीडियोज नहीं आ रहे थे और आप में से बहुत सारे लोग यही वीडियोस मिस कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं और अपने ऑडियंस की, अपने सब्सक्राइबर की, अपनी यूट्यूब फैमिली की जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करते हैं, जो कि करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब से आपको रेगुलर दो वीडियो मिलने वाली हैं। अब वो किसके टॉपिक के हो, किसके ऊपर हो सकती है, किसके ऊपर नहीं हो सकती है, पहले ही मैं आपको बता देती हूँ। रिएक्शन सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, जैसा वीडियोस होता है ऐसा ही रिएक्शन होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं आंटी जी के ऊपर। आंटी जी को मेरे चैनल पर बहुत ज्यादा मिस किया जा रहा था कि आप तरुणा ऐसा करो, आंटी जी के लिए आपने वीडियोस नहीं बनाया है, बहुत लंबा टाइम हो गया। तो मुझे भी पता है काफी लंबा टाइम हो गया जो कि मैं वीडियोस नहीं बना रही हूं, पर कहीं ना कहीं मैं ये बातें सोच रही थी कि जब आप लोग खुद से फोर्स करोगे ना तब मैं वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं वीडियोस बना देती हूं तो फिर लोगों को लगता है कि तुम क्यों, तुम्हें कौन सी चुल मची हुई है जो तुम उनकी वीडियोस उनके बारे में बात करने आ जाती हो। कुछ लोग हैं जो अपनी अपनी मतलब कहने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर आज मैं कुछ नेहा और सचिन के बारे में भी बात करूंगी, जो बहुत ज्यादा अफवाह उड़ा रखी है लोगों ने, एक पाक रिश्ते को नापाक नाम देने की कोशिश जो की जा रही है कमेंट द्वारा, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है इन चीजों को लेके। पर मैं आपको जो बताने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, सुनेंगे नहीं तो आप मेरी बात आप तक नहीं पहुंचेगी, है ना। अपने पॉइंट पे आते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, आंटी जी ने अभी एक रिसेंटली एक वीडियो डाला है जो मैं आपको क्लिप कहीं ना कहीं ऐड कर दूंगी, थोड़ी सी क्लिप है वो जरूर ऐड करूंगी, जिसमें आंटी जी ने कहा है कि सचिन तुम अगर यहाँ होते तो ये खाना हमें ना मिलता, हमें कुछ और बढ़िया मिलता। तो ये बात तो लाजमी है, एज अ जब आंटी मनीषा के पास जाती है फिर मनीषा वहां आती है तो थोड़ा बहुत देखो सास वाला जो रौब होता है ना वो तो आता ही है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो आएगा। हालांकि कहते हैं ना बेटी को बहू को बेटी बनाने में टाइम लगता है, पर कहीं ना कहीं भैया जब माँ ही बन जाएंगे और सास तो थोड़ा बहुत तो आएगा ना, तो वो चीजें हैं। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, कुछ ऐसे क्लू थे जो प्रिंस ने अपने व्यूवर्स को बताए हैं, जो जिसमें कि मैं आप लोगों के साथ जरूर वो भी शेयर करूंगी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है जो उन्होंने दिया है, जिसपे काफी टाइम पहले मैंने एक वीडियोस बनाया था जो कि आपको बताया गया था, और उसके ऊपर काफी सारे ऐसे व्यूवर्स थे जिन्होंने अपनी बात रखी थी। पर कोई बात नहीं, सबकी बात, सबकी अपना अपना सोच होता है, सबके अपने सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। तो आंटी जी के पॉइंट पे आते हैं पहले तो सीधा सीधा, तो मैं आपको बता देती हूँ, आंटी जी ने क्लियर शब्दों में ये बात क्लियर कर दी थी कि सचिन अगर आप यहाँ होते, सचिन अगर तू यहाँ होता तो आज जो मुझे मिल रहा है खाने को वो नहीं मिलता। तो प्रिंस ने यहाँ पर बोला क्या सचिन भैया आकर बनाते खाना, ये बात बिल्कुल लाइन परफेक्ट है, क्योंकि जो भी इस वीडियो को देख रहा था ना तो सामने से यही चीजें आ रही थी कि हाँ ये चीजें हो सकती है, ये बात हो सकती है कि सचिन ही आके खाना बनाते तब आंटी खाती, तो नहीं। पर कुछ ऐसा होता है क्योंकि बेटे को पता होता है कि भाई मेरी माँ को क्या चीजें पसंद है क्या नहीं है, हालांकि पता मनीषा को भी था, पर कुछ ऐसा है ना कंटेंट यूट्यूब के व्लॉग में थोड़ा सा मिर्च मसाला टाइप का डालने वाला जो होता है गॉसिप वाला, वो चीजें आंटी ने करने की कोशिश की थी। बट बाद में आंटी ने इस चीज को क्लियर भी कर दिया था कि भाई बात ऐसी है, मैंने वो वैसे ही बोल दिया था, खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है और आप लोगों के मनोरंजन के लिए थोड़ी सी नोकझोंक सास बहू वाली जो दिखानी होती है वही थोड़ा दिखाने की कोशिश की गई थी। तो आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, क्या वो आंटी के मन के खुद के भाव थे जो उन्होंने एक कैमरे को एक फ्रेंडली होकर अपनी इस बात को रखा, या फिर उनके माइंड में कुछ और चल रहा था। मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल फ्रेंडली थी और ऐसा कुछ भी उनके माइंड में नहीं लग रहा था कि ये चीजें ऐसे हैं, क्योंकि जब लगता है तो साफ पता चलता है, ये तो आप भी जानते होंगे, और जब नहीं लगता है तो फिर वो चीजें क्लियर दिखाई देती हैं। जैसे कुछ टाइम पहले आंटी ने अपनी बेटी को लेकर, अपनी बहू को लेकर एक वीडियो डाली थी जिसको बहुत ज्यादा लोगों ने कॉन्ट्रोवर्सी का नाम दिया था, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये फैमिली इसी तरीके की वीडियोज बनाती है और ये फैमिली यही काम करती है, फैमिली एक ड्रामा इस तरीके का इनको नाम दिया गया था। उस टाइम पर मैं वीडियोज नहीं डाल रही थी, कुछ इशू चल रहा था मेरे साथ मेरी तबीयत को लेकर, तो उस वजह से मैं उतना एक्टिव नहीं थी जितना मुझे होना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, अब से मेरा प्रॉमिस रहा दिन की दो वीडियो आप लोगों को जरूर मिलेगी, शॉर्ट वीडियोस में मैं
आप लोगों के साथ अपनी सारी बातें रखूंगी, जो जो मुझे लगता है जिस टॉपिक में वीडियो लेके आऊंगी उससे टॉपिक से एक डेढ़ घंटे पहले मैं अपना वीडियोस बना के आपको दे दूंगी कि किस टॉपिक पे कौन सा वीडियो आ रहा है। पर आपको एक ही काम करना है, जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक, और आपका कोई भी कमेंट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। तो अब आते हैं दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर, जिसमें कि मेरे पास भी ऐसे कमेंट्स आए थे जो नेहा और सचिन को लेकर बहुत ज्यादा वल्गर कमेंट किए जा रहे थे। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा एक चैनल है, सेकंड चैनल है, उस चैनल के ऊपर मैं इसी तरीके की अपनी बातें रखती हूँ। बट अभी कुछ टाइम की वजह से जो सेम इशू मैंने आपको बताया वही सब चीजें मेरे साथ चल रहा था, जिसकी वजह से मैं अभी कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ उस पर ठीक से। पर कोई बात नहीं, जल्दी उस पर भी काम करूंगी। पर पॉइंट यहाँ पे है तो यहीं पर बात क्लियर कर देती हूँ, अगर आदमी नहीं हो सिर पे तो वो औरत गलत है, चाहे उसके साथ उसका भाई खड़ा हो या उसका दोस्त खड़ा हो, वो उसका खजम बना देती है दुनिया, ठीक है। तो अब ये बात करने के लिए ना मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है, सीरियसली बता रही हूँ, ये बात करने के लिए मुझे गुस्सा आ रहा है। और गुस्सा आने का रीजन साफ साफ यही है, या तो तुम लोग सुधर जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो मेंटेलिटी है ना सिर्फ इतनी ही है कि एक औरत के साथ अगर आदमी खड़ा है तो वो उसका दोस्त नहीं हो सकता, वो उसका भाई नहीं हो सकता, वो उसका कजन नहीं हो सकता, वो उसका मतलब कोई भी अदर पर्सन नहीं हो सकता, बस वो उसको चाहने वाला है, उसका पति हो सकता है, वो उससे प्यार करती होगी या वो उसको प्यार करता हो, यहीं तक तुम्हारी मेंटेलिटी रह गई है। इस चीज को क्लियर किया सचिन राखी वाले दिन नेहा के पास पहुंचे, जहां पर नेहा के सचिन की कलाई पे राखी बांधी, बकायदा मनीषा को भी वीडियो कॉल पे लिया। अगर अब भी तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अच्छी खासी औरत को बदनाम करने के लिए तुम लोग उतारू हो। अच्छा चलो, दुर्भाग्य में जो चीजें जो हमारे भाग्य में होता है ना वही हम लोगों के साथ होता है, हमारे अच्छे कर्म कह लो या फिर हमारे साथ कुछ भी मिस हैपनिंग कह लो, या फिर कई बार कुछ कुछ गलतियां भगवान से भी हो जाती है, तो ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर जो भी था, जितना भी साथ उनके साथ था ना, वो आज तक बखूबी तरीके से जो नेहा जी हैं वो निभा रही हैं अपने हस्बैंड, नहीं है उनके हस्बैंड पर फिर भी वो अपनी हर एक वीडियो में कहते हैं कि वो मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो इस चीज का प्रूफ जब आप लोगों को वो अपनी वीडियोस द्वारा देती हैं तो तुम्हारी मेंटेलिटी इतनी ज्यादा जीरो लेवल की है ना कि तुम लोगों को वही चीजें नजर आती हैं, ठीक है। इसी चीज को डाउट को क्लियर करने के लिए सब लोगों के कहते हैं ना कि तुम्हें बार बार बोलने से जवाब देने से अच्छा है कि तुम्हें एक बार दिखा दिया जाए तो तुम्हें समझ में आता है। पर कुछ लोगों की नजर इतनी ज्यादा गंदी होती है ना, उनको वो चीजें समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनको और उनकी सोच, उनकी फैमिली की सोच वहीं तक ही है जहां तक उनकी फैमिली ने उनको संस्कार दिए हैं। पर भैया सोशल मीडिया है और इतना ज्यादा आगे निकल चुका है, अगर तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं तो थोड़ा सा सर्च कर लो, सोशल मीडिया पे आ जाओ, बाहर निकलो, समाज को देखो और तब इन चीजों का फैसला करो कि आज की दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। जरूरी नहीं है हस्बैंड का ठप्पा लगेगा तभी एक लड़की आगे चल सकती है, जब भी आगे कुछ कर सकती है, क्यों भाई, उसके साथ उसकी बेटी है, उसकी पूरी फैमिली है, उसकी बहुत सारे फ्रेंड हैं। और नीतू मैना भोपाल की बहू कुछ ऐसा करके उनका नाम है, वो भी मतलब बखूबी तरीके से करते हैं, तो उनके हाइट को लेके, उनके कलर को लेके इतना चीप बोला जाता है जिसकी मैं क्या ही बोलूं, ठीक है। आपको सबको पता है कि भैया उनको बेटी का लाड है, वो बेटी की कमी हमेशा से महसूस करती हैं, पर इसका मतलब ही नहीं है कि आज कुदरत नहीं दे रही तो आगे नहीं देगी, कभी भी सुन सकती है। मैंने तो ऐसे ऐसे केस देखे हैं जिनकी शादी को 30-30, 35-35 साल हो गए तब उनको प्रेगनेंसी हुई है और वो नॉर्मल डिलीवरी तक पहुंची है। आप कैसे भगवान के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, कैसे? ये कुदरत की देन होती है, किसके साथ क्या होना है, किसके साथ क्या नहीं होना है, बहुत सारी ऐसे केसेस हैं। थोड़ा सर्च करो फिर आकर किसी के ऊपर कमेंट करो, ठीक है। उनकी बेटी को लेके उनको ट्रॉल करना, उनके बच्चों को लेके ट्रॉल करना, बस यहीं तक ही तुम लोग हो और यहीं तक ही तुम लोग सोच सकते हो। अब कुछ लोग आकर यहाँ पर मुझे ये एडवाइस देने वाले हो कि भैया तुम्हें ऐसा क्या हो गया, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से सोचती हूँ और सादा सोचती हूँ। तुम्हारी तरह ऐसे झोल मटोल वाली मैं अपनी लाइफ नहीं रखती हूँ, ना ही मैं अपने आस पास में ऐसी उलझने पैदा करके रखती हूँ, ठीक है। मैं बहुत सिंपल हूँ, सिंपल तरीके से सोचती हूँ, इसीलिए सही सोच पाती हूँ, क्योंकि जितने आप उलझोगे ना उतने आप उलझते चले जाओगे, और जितना उलझोगे उतना ही आसपास आपके नेगेटिव ऑरा रहेगा। पॉजिटिव होने के लिए आपको अपने आप को क्लीन करना होगा, अपने आप के अंदर झांकना होगा। सामने वाले को देख के आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप से डील करो ना, आप अपने आप को समझाओ। जब आप अपने आप को हर चीज में समझा लेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला है, ठीक है। तो लोग हैं, बात हैं, करते हैं, पर मैं एक बात जरूर कहूंगी, चुप रहना
बहुत बड़ी गलती है जब इस तरीके की अगर आपके सामने कुछ ऐसी बातें आ रही हैं तो उनको जवाब आपको ज़रूर देना चाहिए। ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मैं आपको बताती हूँ, पॉजिटिव रिएक्शन नेगेटिव रिएक्शन वीडियोज़ के अकॉर्डिंग होते हैं। अब पता नहीं आपको मेरा ये रिएक्शन या मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी होगी, कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगर पसंद आई हो, नहीं आई हो तो भी आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कि मैंने इसमें क्या गलत बोला और आप मेरी कौन सी बात से सहमत हैं, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगर जिस बात से सहमत नहीं है मैं उसके ऊपर और काम करूंगी और इम्प्रूवमेंट लेकर आऊंगी और आप लोगों के साथ न्यू और अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।